हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास अगर जियो का सिम है और अगर आपने एक ही नंबर पर दो बार रिचार्ज कर दिया है तो इससे क्या होगा। तो वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अगर एक नंबर को जो है दो बार रिचार्ज कर देते हैं तो ऐसे में आप लोग सोचते होंगे कि आपका जो पैसा है वो पूरा वेस्ट हो चुका है। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है कि आपने जो जब पहले रिचार्ज किया रहता है तो वो आपका जो है, सपोज़ आपने रिचार्ज किया है 3 महीने वाला, तो जो 3 महीने रिचार्ज होगा उसके बाद जब आपका पहला रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा रिचार्ज आपने किया रहेगा, तो जो दूसरा रिचार्ज रहेगा वो उस 3 महीने के बाद फिर से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आपको दोबारा से बिल्कुल भी कोई पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपने एक नंबर को दो बार रिचार्ज कर दिया है, इसका मतलब जो है आपको जो है कम से कम 3-3-6 महीने तक जो है आपका फ़ोन रिचार्ज हो चुका है। ओके, अगर आपने 3-3 महीना वाला रिचार्ज दो बार कर दिया तो 6 महीने तक आपको बिल्कुल भी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कोई भी मतलब कुछ भी सेटिंग नहीं करना होता है। आपको बस अपना जो फ़ोन है वो यूज़ करना है। 3 महीने जब आप लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो आपका जो पहला रिचार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा रिचार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर वो भी जो है आपका 3 महीने चलेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, बस आपको अपना फ़ोन यूज़ करना है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में जो रिचार्ज वगैरह है उसको जो है यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।